हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था आवर बॉडी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं पोस्चर के बारे में, यानी पोस्चर यानी तरीका। द पोजिशन इन विच वी सिट, स्टैंड, वॉक और डू एनी वर्क इज कॉल्ड ए पोस्चर। वह स्थिति जिसमें हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, वह पोस्चर कहलाती है। पोस्चर में पहला पॉइंट है सिटिंग पोस्चर, यानी बैठने का तरीका। यू शुड सिट स्ट्रेट विथ योर बैक पैरेलल टू द बैक ऑफ द चेयर, यानी हमें एकदम सीधा बैठना चाहिए और हमारी जो पीठ है वो चेयर की पीठ के एकदम समांतर होनी चाहिए, यानी हमारी जो पीठ है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए। यू शुड नॉट बेंड वाइल सिटिंग, आपको बैठने के दौरान झुकना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट एज इट इज हार्मफुल फॉर योर आइज, आपको धीमी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह आपकी आँखों के लिए हानिकारक होता है। धीमी रोशनी में पढ़ेंगे तो हमारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। योर बुक शुड बी केप्ट एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम योर आइज वाइल रीडिंग, यानी पढ़ने के दौरान हमारी जो बुक है वो हमारी आँखों से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इससे कम दूरी पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए और इससे ज़्यादा दूरी पर भी नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो पोस्चर में सेकंड है, बी नंबर, वो है स्टैंडिंग पोस्चर, यानी खड़े होने का तरीका। कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल यू स्टैंड, जब तुम खड़े होते हो तब तुम्हारी पीठ सीधी रहनी चाहिए। योर चिन शुड बी इन एंड चेस्ट आउट, आपकी जो ठोड़ी है, चिन है, वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और सीना बाहर की तरफ होना चाहिए। वाइल स्टैंडिंग द हेड शुड बी अप, खड़े होने के दौरान हमारा सिर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है वॉकिंग पोस्चर, यानी चलने का तरीका। व्हेन यू वॉक ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, जब आप चल रहे हो तब आपकी पीठ हमेशा सीधी रहनी चाहिए। कीप योर हेड अप, अपने सिर को ऊंचा रखना चाहिए। स्विंग योर आर्म्स जेंटली एंड फ्रीली, अपनी बाहों को धीरे धीरे हिलाइए और एकदम
मुक्त रूप से हिलाना चाहिए या एकदम फ्री होके फ्रीली रूप से हिलानी चाहिए। योर नीज एंड एंकल्स शुड नॉट टच ईच अदर वाइल वॉकिंग, यानी चलने के दौरान आपके घुटने और टखने आपस में टच नहीं होने चाहिए। ओके बच्चों, तो आज की क्लास आवर होती है और अगली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।